हेलो दोस्तों, राजदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या है और उसके साथ साथ बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में क्रेडिटर, डेबिटर, कैपिटल, ऑनर, ड्राइंग, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होती है, इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में जानेंगे। पीछे की वीडियो में हमने सीखा था कि अकाउंट्स क्या होती हैं और साथ ही कुछ टर्मिनोलॉजी को भी हमने देखा था, कुछ परिभाषाएं को भी हमने जाना था। टैली प्राइम में आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है और कुछ अन्य परिभाषाएं भी इसकी हम जानने वाले हैं। पहले जो काम मैनुअली होता था, काफी बुक्स, काफी रिकॉर्ड्स जो मैनुअल होती थी, काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, काफी गलतियां होती थी, काफी टाइम लगते थे, आज वही काम बिना किसी गलती के सिस्टम की हेल्प से हो जाता है। जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो टैली सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो इंडिया में ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में भी इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है। व्यापार या व्यवसाय में जब भी कोई वित्तीय यानी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें उन्हें कहीं लिखना होता है। संसार भर में इसके लिए अलग अलग पद्धतियां हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण है डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें प्रत्येक लेनदेन दो खातों को प्रभावित करता है, एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा खाता देने वाला होता है, और उसमें प्रत्येक लेनदेन के लिए समान राशियां एक खाते के नाम पक्ष यानी डेबिट साइड और दूसरे खाते में जमा पक्ष यानी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। एग्जाम्पल में बैंक से 5,000 रुपए नगद निकाले, यहाँ दो खाते प्रभावित हुए हैं, एक है कैश और दूसरा है बैंक अकाउंट। इसको कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पार्टिकुलर्स में कैश अकाउंट यानी डेबिट साइड में हमने 5,000 रुपए निकाला था और कहाँ से निकाला था, टू बैंक अकाउंट 5,000। आपके माइंड में एक चीज क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कैसे हम जानेंगे कौन क्रेडिट होगा कौन डेबिट होगा और हमें कैसे जानेंगे कि इसमें दो अकाउंट कौन कौन से होंगे इसके लिए, और इसको किस तरीके से कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा इसको किस तरीके से हम जान पाएंगे। तो आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो गोल्डन रूल होगा अकाउंट का, थ्री टाइप्स की होती है, वो आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा और बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आप भी बता पाएंगे कि कौन अकाउंट कहाँ से आएगा, कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा। तो इसकी टेंशन आप ना लीजिए, बस हमने सिंपल से एग्जाम्पल में आपको समझाया है। अब देखेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट है क्रेडिटर यानी लेनदार। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती हैं या रुपया उधार देती हैं, ऋणी दाता यानी लेनदार यानी क्रेडिटर कहलाता है। लेनदार को फ्यूचर में ऋणी से धनराशि प्राप्त होना होता है। नेक्स्ट, देनदार यानी डेबिटर्स। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है या रुपया उधार देती हैं, ऋणी दाता यानी देनदार यानी डेबिटर कहलाता है। देनदार को फ्यूचर में एक निश्चित दिन या यानी एक निश्चित अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है। नेक्स्ट, कैपिटल यानी पूंजी क्या होती है। व्यापार का स्वामी जो रुपया माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है। नेक्स्ट, ऑनर यानी स्वामी। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं, व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाभ और हानि के अधिकारी होते हैं, व्यापार के स्वामी कहलाते हैं। यदि किसी व्यापार का स्वामी यानी मालिक एक व्यक्ति है तो एकाकी व्यापारी यानी प्रोप्राइटर कहलाता है, और यदि मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो संवेदन यानी पार्टनर कहलाते हैं, पर यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कार्य करते हैं
तो वे उस कंपनी के अंशधारी यानी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, आहरण यानी ड्राइंग क्या होती है? व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपया या माल निकालता है वह उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, मान लीजिए कि आपने कोई व्यापार स्टार्ट किया, सपोज दैट आपने कपड़े का बिजनेस किया है और अपने परिवार के लिए कुछ कपड़े अपने घर पे लेके आ गए, तो आपकी सेल्स नहीं कहलाएगा, वहां आपकी ड्रॉइंग यानी आहरण कहलाएगा। नेक्स्ट, एसेट्स यानी संपत्ति क्या होती है? व्यापार या व्यवसाय की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यवसाय के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है संपत्ति कहलाता है। ये दो प्रकार की होती है, अस्थाई संपत्ति और चालू संपत्ति। अब देखेंगे अस्थाई संपत्ति यानी फिक्स एसेट्स क्या होती है। इनसे आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घ काल तक रखी जाने वाली होती है, यानी उनका लाभ व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और पुनः विक्रय के लिए नहीं होती। उदाहरण के लिए जमीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाहन, मशीन आदि। नेक्स्ट, चालू संपत्तियां यानी करेंट एसेट्स। इनसे आशय उन संपत्तियों से है जो आमतौर पर एक वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती है, यानी जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती हैं, जैसे नकदी या जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सके, जैसे देनदार, बैंक बैलेंस, स्टॉक इटीसी। नेक्स्ट, दायित्व यानी लायबिलिटीज क्या है? वे सभी ऋण जो व्यापार में अन्य व्यक्तियों अथवा स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं लायबिलिटीज यानी दायित्व कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, अस्थाई लायबिलिटीज यानी फिक्स्ड लायबिलिटीज और दूसरा चालू दायित्व यानी करेंट लायबिलिटीज। अस्थाई दायित्व क्या होती है यानी फिक्स एसेट्स लायबिलिटीज क्या होती है? स्थायी दायित्व से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान दीर्घकाल के पश्चात या व्यापार की संपत्ति पर करना होता है, जैसे दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म लोन, ऋण यानी लोन, कैपिटल, बिल्डिंग या लैंड को गिरवी, बैंक से लिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन आदि। नेक्स्ट देखेंगे चालू दायित्व यानी करेंट लायबिलिटीज। चालू दायित्व से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान निकट फ्यूचर में करना होता है, प्राय या एक साल से कम समय में चुकाना होता है, यानी ये अस्थाई दायित्व होती है और व्यापार संचालन में घटती बढ़ती रहती है, जैसे अल्पकालीन ऋण, लेनदार, बैंक लोन, सीसी लिमिट यानी कैश क्रेडिट लिमिट आदि। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ऐसे अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।